डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स। और नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में हम यूनिट फोर करते हैं, और यूनिट फोर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक फार्मूला। यूनिट फोर में हम एग्जांपल फाइव और सिक्स करते हैं, हाउ टू फाइंड डिफरेंस ऑपरेशनल एक्सप्रेशंस। हम कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंस ऑपरेशनल एक्सप्रेशंस का। डिफरेंस इधर मतलब है सब्ट्रैक्शंस आर नेगेटिव, ठीक है। एग्जांपल फाइव है हमारे साथ, सब्ट्रैक्ट टू डिवाइड बाय एक्स माइनस टू ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट फ्रॉम एक्स डिवाइड बाय ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट बाय स्मॉल ब्रैकेट एक्स माइनस टू ब्रैकेट। ये है फर्स्ट रेशनल एक्सप्रेशंस और ये है सेकंड रेशनल एक्सप्रेशंस। हम फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड से, ठीक है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशंस, और इधर जो सेकंड है इधर मैंने फर्स्ट लिखा, और इधर जो फर्स्ट था उधर मैंने सेकंड लिखा, और इसके दरमियान मैंने नेगेटिव साइन लिखा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये फर्स्ट जो रेशनल एक्सप्रेशंस है इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और ये सेकंड वाला रेशनल एक्सप्रेशन जो है ये नीचे वाले हिस्से को हम भी डिनोमिनेटर कहते हैं। इस दोनों का हम एलसीएम फाइंड करते हैं, और एलसीएम इसका आता है एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, एलसीएम ये होगा। तो ये एलसीएम आता है, और एलसीएम मैंने इधर लिखा एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। ये एलसीएम मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, और ये मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया। तो एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू इस एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू के साथ ख़त्म हो गया, इधर बाकी रह गया एक्स माइनस थ्री। तो इधर बाकी मैंने इधर जो एक्स है ना इधर मैंने लिखा नीचे, ठीक है। और इधर रह गया एक्स माइनस थ्री, तो मैंने एक्स के साथ एक्स माइनस थ्री भी लिखा, और माइनस नेगेटिव नेगेटिव साइन जो है ना ये मैंने इधर अपनी जगह लिखा। और एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री जो इधर मल्टीप्लाई एलसीएम था एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, इसके साथ एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। तो इधर बाकी रह गया एक्स प्लस थ्री, तो टू मैंने इधर अपनी जगह लिखा, और एक्स प्लस थ्री इधर रह गया था वो मैंने टू के साथ लिखा। फिर इसके बाद हम एक्स माइनस थ्री के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस टू हम एक्स प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स मल्टीप्लाई एक्स तो आता है एक्स स्क्वायर नेगेटिव अपनी जगह साइन, और थ्री हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री एक्स आता है, और टू हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टू एक्स आता है, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई इक्वल टू नेगेटिव आता है, ठीक है। और टू हम थ्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, टू थ्री जार सिक्स आता है। इसके बाद मैंने 3x और माइनस 2x मैंने ऐड किया, तो आता है 5x और नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह 3 मैंने 2 के साथ ऐड किया, तो आता है 5x x x आता है, और नेगेटिव x मैंने अपनी जगह लिखा। और जो ये डिनोमिनेटर x माइनस टू और x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री मैंने अपनी जगह लिखा, ठीक है। इसके बाद x प्लस थ्री और x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, इधर फार्मूला है। कौन सा वाला फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला है हमारे साथ। तो x प्लस थ्री और x माइनस थ्री की जगह हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ये नेगेटिव नाइन, ये थ्री स्क्वायर है, लेकिन थ्री हम टू बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है नाइन। तो इधर मैंने इसे लिखा नाइन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स अपनी जगह, और एक्स माइनस टू अपनी जगह, और एक्स की जगह एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री की जगह मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। हम एग्जाम्पल सिक्स करते हैं। एग्जाम्पल सिक्स है वन ओवर एक्स प्लस वाई प्लस वन ओवर एक्स माइनस वाई
नेगेटिव 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई ब्रैकेट। हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये सब रेशनल एक्सप्रेशन मैंने अपनी जगह लिखा, और इसके बाद हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम आता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, ये एलसीएम आता है। तो मैंने एलसीएम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इधर लिखा, और इसके बाद हम ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी, और इधर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स प्लस वाई के साथ ख़त्म हो कैंसिल होता है, तो इधर बाकी रह जाता है एक्स माइनस वाई, और वन हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस वाई के साथ। तो इधर मैंने लिखा एक्स माइनस वाई प्लस अपनी जगह, और एक्स माइनस वाई इधर भी है और हम इधर भी मैंने मल्टीप्लाई किया है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाता है, तो बाकी रह जाता है वन और एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। हम एक्स प्लस वाई वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस वाई आता है। ठीक है, माइनस अपनी जगह, और इधर एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है। इधर मैंने मल्टीप्लाई किया है एलसीएम, एलसीएम जो आता है एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है, तो इधर दोनों ख़त्म हो जाते हैं। तो इधर बाकी रह जाता है वन, तो मैंने इधर लिखा वन। ठीक है, इसके बाद हम ये ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। ब्रैकेट हम कैसे ख़त्म करते हैं, तो मैंने लिखा एक्स माइनस वाई अपनी जगह प्लस एक्स प्लस वाई के साथ हमने प्लस मल्टीप्लाई किया तो आता है प्लस अपनी जगह एक्स प्लस एक्स अपनी जगह प्लस अपनी जगह वाई अपनी जगह। ठीक है, नेगेटिव माइनस वन अपनी जगह मैंने लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेम है वो हम ऐड करते हैं, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वाई के साथ तो वो ख़त्म, वो मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, एक्स एक्स इधर भी पॉजिटिव एक्स है और इधर भी पॉजिटिव एक्स है, एक एक्स इधर है और एक एक्स ये है, तो ये हम ऐड करते हैं तो टू एक्स आता है। ठीक है, और इधर माइनस वाई है और इधर वाई पॉजिटिव वाई है, माइनस वाई और पॉजिटिव वाई ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया, और इधर बाकी रह गया माइनस वन, और इससे फार्मूला बन जाता है एक्स प्लस वाई से और एक्स माइनस वाई से। ठीक है, कौन सा वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसकी जगह मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने लिखा, तो टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है,